Chemistry, chemistry. Maths, maths. Chemistry, maths. Chemistry? No, maths. Chemistry? No, maths. What do you think? Who is going to win today? I think it's chemistry. No, 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 it's going to be maths. I'm very sure. Guys? Nice. No, maths. Say maths. <laughs> Good evening, everyone. How are you all? Hi, Keshav. Krishnendu.

मिस्ट्री के यस बट दिसम दर मेरी ईजी होगा एंड मोर ओवर हम इनको करा दी है राइट right? और आप रेगुलरली क्लासेस के लिए आते भी हो जो नहीं भी आते हैं आई वुड सजेस्ट सेम प्लीज कम फॉर द क्लासेज रेगुलरली इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू सो आई एम प्रोर मैथ्स में ये सब आज बहुत बढ़िया करने वाले हैं केमिस्ट्री yeah? के भी बहुत बेसिक interesting questions. Dale so, yes, yes, yes. Move on, it's going to be a mix of both. Don't worry, bacha. Yeah, we'll be using both the languages. Alright, quickly, see, you all know that it's going to be a Menti quiz. You know the drill. Quickly go to menti.com, join the quiz using this code which is there on the screen. Kriti ma'am, I think let's uh, let them see the code. It's there on the screen 25035428. Quickly everyone, join the quiz and let us know in the chat that you have joined.

में इजी बिकॉज जनरली मैम क्या होता था जब भी मैथ और केमिस्ट्री आते हैं तो हिस्ट्री रही है नहीं 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 इस बार हम हिस्ट्री को इसको चेंज करने वाले विजिबल टू फाइव जीरो

वी आर होपिंग अभी तक तो आपने पक्का सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को नहीं किया बाय एनी चांस अगर आप बस सेशन अटेंड करो बट सब्सक्राइब करना भूल गए तो राइट अवे यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक तो कर दो यार वीडियो क्योंकि क्यूँकी मैच बहुत इंटरेस्टिंग होना है आज yes. तो एक लाइक like तो डेफिनेटली बनता है सी हम जितना आपके लिए चैनल पे कर रहे हैं ज्यादा कर पाएंगे इफ यू हेल्प अस ग्रो सो लेट्स ट्राई टू हिट दिस नंबर ट्वेंटी फाइव के एज सुन एज पॉसिबल वीडियो लिंक अपने फ्रेंड से शेयर करिए अपने स्कूल ग्रुप्स में शेयर करिए टिलेम ऑल्सो टू ज्वाइन एन एंड सी वॉच दीज सेव्यास आई थिंक वील वील वेरी सुन रीच दिस ट्वेंटी फाइव के बिकॉज आप लोगों का लव एंड सपोर्ट हमारे साथ है हमारी गाइडेंस आपके साथ एंड दैट्स वॉट फैमिलीज ऑल अबाउट

ये एग्जाम देने का एक बेनिफिट होता है कृति मैम व्हाट डू यू थिंक अकेडमिकली हम कितने प्रोफ़िशिएंट हैं राइट right? ये पता लगता है बिकॉज आई थिंक स्कूल एग्जाम से नहीं पता लगता ये स्कूल में क्या होता है कि आपका एक स्पेसिफिक सिलेबस है आप उसे करते हैं आपको पता होता है कि यार ठीक है इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं आप प्रिपेयर करते हैं आर एबल टू स्कोर गुड आई एम नॉट सेंग इट इज ऑल्सो वेरी हार्ड टास्क बहुत एफर्ट जाता है इसमें बट स्टिल वेन यू गो फॉर सच काइंड ऑफ एग्जाम्स आपको strength, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस पता लगती है अपने एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट पता लगते हैं एंड लेटर ऑन आई थिंक जब आप कम्पेटेटिव एग्जाम्स के लिए जाते हैं बहुत अर्ली स्टेजेस से आप प्रिपेयर होते हैं अनसर्टनिटी okay. जो होता है एनवायरमेंट में वो आप डील करना सीखते हो जैसे वेन यू गिव एंट्रेंस एग्जाम लाइक दीज यास एवरी वन और एग्जाम देना इज वन थिंग और इस एग्जाम के बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दैट यू विल गेट अ चांस टू फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया एंड यू कैन वॉच द टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप लाइव इमेजिन आप टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप लाइव देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स वी फील लाइक गिविंग द एग्जाम दाम ऑस्ट्रेलिया जाने में हमें ये चांस मिलना चाहिए था यार इसमें टीचर्स के लिए भी होना चाहिए था टीचर्स कैन गिव दिस दिस टेस्ट सो बेसिकली टॉप परफॉर्मर्स विल गेट चांस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन रजिस्टर फॉर इट इफ यू हैव इंट यार हमें ऐसा लग रहा है जब हम स्टूडेंट होते थे तब तो टीचर्स hmm. जाते थे जब हम टीचर्स okay. है तो स्टूडेंट्स दिस ऑपरचुनिटी तो फटाफट से ग्राफ कर लिया है बट लास्ट डेट बहुत पास है फोर्थ सेप्टेम्बर इज द लास्ट डेट ऑलमोस्ट आ गया दिस इज योर लास्ट चांस टू मेक इट हैपन थैंक यू बनीता ये लॉर्ड मेनी न्यू स्टूडेंट्स वी कैन सी योर टूडे न्यू स्टूडेंट्स जैसे एवरी वन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अच्छा वीडियो लिंक अपने फ्रेंड से क्विकली शेयर कर दो क्विज में और ज्यादा मजा अपने बेस्ट फ्रेंड्स ही कर दो स्कूल हाँ. ग्रुप्स <laughs> में तुम्हारे इतने फ्रेंड्स हैं सोसाइटी में एट एट दिस दिस एज यू हैव मल्टीपल बेस्ट फ्रेंड्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि कौन एड बेस्ट फ्रेंड है ऑल राइट ऑल राइट लेट्स मूव अहेड

अम्मी हम यार हम लोग ही लूप पर देख रहे हैं इतना मजा आ रहा yeah. है वो वीडियो देखने में yeah. सोचो क्लास अटेंड करने में कितना मजा because आएगा बिकॉज़ बिकॉज़ आई यू 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 नो इट अ साइंस टीचर सो यू वुड बी एबल टू रिलेट विद दिस साइंस बुक्स में पढ़ना मजा नहीं आता अब अब वो बात गई कर रहे अब क्या है यार अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग का टाइम hmm. है जो कहा मिलेगा बायजूस एक्सेल मास्टर क्लास में नेक्स्ट क्लास का वह यार सेंसर में नेक्स्ट क्लास है फोर्थ सेप्टेम्बर को ट्वेल्व पी एम यू सेव द डेट

आई जस्ट लव इट या होता अर्पिता वी आर डूइंग गुड थैंक यू हव आई यू ऑल राइट ऑल राइट प्रीतिमा आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड या फोर गे गु जस्ट ज्वाइन तो बच्चा फटाफट से मेहंदी डॉट कॉम पर आ जाए न्यूज टू फाइव जीरो थ्री फाइव फोर टू एट एंड वी कैन सी अराउंड

एंड एक पेन एंड पेपर तैयार है क्योंकि मैथ्स तो भी है देखो आज जीतना है राइट right? आज पक्का जीतना है क्वेश्चन का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं है आज हमारे पास चांस है यस yes. <laughs> <laughs>

बट केमिस्ट्री को जिता देता है yeah. <laughs> this, चलो. Let's see. Let's see हैं, का है कि मैथ्स यार आप लोग को एक काम करना है अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर आता है हम आंसर पोस्ट नहीं करेंगे हम ये वाली मुझी पोस्ट करेंगे चैट बॉक्स में और अगर आंसर नहीं आता डिफिकल्ट लगता है तो हम ये पोस्ट कर देंगे right? हम आंसर पोस्ट नहीं करेंगे लेट्स हैव अ फेयर मैच आता है तो ये वाला नहीं आता तो ये वाला आंसर पोस्ट नहीं करेंगे राइट सो दैट कोई चीटिंग नहीं, कोई किसी के कॉपी नहीं करेगा ट्राई करेंगे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है मैथ <laughs> <chemistry जीते का. laughs> को जिताना भी है बेटा ऑल राइट ऑल राइट लेट्स गेट स्टार्टेड चलो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ लेट्स सी कौन सा है आपका है मिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डॉट कंटेन एसिड लाइन वॉटर स्पिनिच करूज योर ब्रेन रिकॉल करो कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते हो कि किस सब्सटेंस में एसिड नहीं होता टाइम इस बार आपको थोड़ा लिमिटेड है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बेसिक है सो so, फेयर right? इनको अप्रोप्रिएटली मिला आई कुड सी आंसर्स प्लीज एवरी वन डोंट पोस्ट आंसर इन द चैट एज प्रीति मैम सेट आंसर आता है तो चलो आंसर नहीं आता है सो दिस पोस्ट दिस ओनली यस गुनगुन गुन वट एपेंड डिफिकल्ट था क्या यार क्वेश्चन क्या हो गया बहुत सिंपल है ये लाइम वाटर वॉटर लाइम वाटर इज द करेक्ट आंसर बहुत बच्चों ने स्पिनिच बोला है देखो यार यारिच में तो एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है कर्ड में लैक्टिक एसिड है ग्रेप्स में एसिड है जब हम लाइम वाटर की बात करते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड so तो की बात कर रहे हैं विच इज अ बेस सो नॉट एन एसिड तो यार बेस की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर लाइम वाटर अच्छा कृति मैम और मैं एक पेपर और पेन रखना भूल गए सो लेट्स डू वन थिंग स्टूडेंट्स को नोट कर जैसे ही केमिस्ट्री का मेजोरिटी बच्चों ने आंसर नहीं सही दिया मैम ने बोलाट टू नो दैट ना आफ्टर वे डन विद्सोल राइट फिर देखते वन मार्क्स कहां लेट्स मूव अड सो नेक्स्ट क्वेश्चन का

और उसके बाद चेक करना बिना क्लॉक बनाओ करोगे तो डेफिनेटली यू विल एंड अप मेकिंग एन एरर अरे श्रयासी यू आर डन विद इट वाओ अमेजिंग अरे वाह आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एंड दे राइटिंग द ट्रिक्स आल्सो कि कैसे आंसर तक तो पहुंचना है करेक्ट कांति 16 सेकंड अर्पिता भव्या कृष्णेंदु सुमन एवरीवन अरे दैट्स ग्रेट टाइम लग गया ध्रुव डिफिकल्ट डिफिकल्ट आइव से इतना नहीं है क्वेश्चन आप क्लॉक बनाओगे फिर मार्क करोगे इजिली अंडरस्टैंडेबल है देखो यार इस बार तो हमने क्वेश्चन टीम के लिए प्लान करे हैं तो हमने तो डू एल इजी क्वेश्चन करे हैं बट हाँ बहुत बेसिक लेवल नहीं क्योंकि hmm. थोड़ा सोचना आना चाहिए आपको भी और मैथ में ऐसे मजा भी नहीं आएगा यू नो इट राइट वा स्टिल अलॉर ऑफ स्टूडेंट आर एबल टू गिव द राइट आंसर बट आपको लग रहा है वन सिक्सटी डिग्री भी हो सकता है वन सेवेंटी भी हो सकता है कैसे लेट सी दैट सो so, आपको पता है कंप्लीट ट्वेल्व आवर्स में क्लॉक आप देखें तो वो थ्री सिक्सटी डिग्री कवर कर लेगा राइट एंड एट टू टू में छह घंटे होते हैं सिक्स आवर्स होते हैं राइट सो वन आवर में कितना डिग्री कवर करेगा थ्री सिक्सटी डिग्री बाय ट्वेल्व यूनिट्री मेथड दैट्स गोइंग टू बी थर्टी डिग्री सो सिक्स टाइम्स सिक्स आवर्स में कितना करेगा सिक्स इन टू थर्टी डिग्रीज एस वन एटी डिग्रीज सिंपल था राइट right? क्या कंफ्यूजन था इट्स ओके okay, एस yes, नागेंद्र अंकिता हुम सो एवर मेरअ मिस्टेक योर नाउ यू नो इट

Can I reinforce a bit more? <laughs> <than>? Without killing <laughs> animals. Mom is being very smart here. Silk, leather, wool. किसमे हम animals को नहीं मार रहे अरे आंसर भी यहाँ पर आ रहे हैं। आंसर आंसर मत लिखो जाट में ध्यान से सोचो और यही पोस्ट आना चाहिए यार Yes, they are giving this only. All right, time is up. Good, good. I think

You might have to remind us again because obviously, a lot of you actually join from different IDs. Yes. Ah, uh, Who is writing this? Saksham. Saksham, don't give hints in the chat. No, no, no. Dhriti, done? Wow. We still have got five seconds. No, Tukka, Tukka, Papia. Papia is again back with Tukka. See? <laughs> all right, time is up. Achha, 65. 65. Right. 65. 62 स्टूडेंट्स हैं गॉट दिस आंसर राइट मैम इसमें बस हमको डबल करके प्लस वन करना एक्सेक्टली समबडी सेड द सेम थिंग यस सो दैट वाज़ द पैटर्न इशान यू जस्ट ज्वाइन इशान क्विकली आई होप यू हैव ज्वाइन्ड द क्विज़ इफ नॉट यूज़ दिस कोड रिटन आट द टॉप आई थिंक रितिमा मैम कोड इस

by observing pattern when you have to give this answer all right let's move ahead <coughs> to the बिल्कुल double करके add ya that's it chalo let's load the first leaderboard अच्छा what do you think what do you think क्या लग रहा है who all would be there ये हमारे मैच का पहला स्कोर बोर्ड है और अभी तक इट्स इट्स इक्वल राइट इक्वल मैन ऑफ द मैच यार चंदनी खुशबू मैम कैन आई टॉप अरे वाह खुशबू मैम कैन आई टॉप

ओके मयंक का एक जोक मैम बहुत इंटरेस्टिंग है मयंक आज से बहुत सारे कुछ महीनों से मेरे इस पेन के पीछे है उस पेन को लेने के लिए मयंक कैन डू एनी थिंग या मयंक इफ यू कम एट द टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड देन देखेंगे राइट देन देखेंगे क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ऑल राइट ऑल राइट लेट्स मूव नाउ मजा आया पहले चार क्वेश्चन में तो फटाफट से हम वीडियो लाइक कर सेन सी सो मेनी इफ यू लाइकिंग दीडियो राइट फटाफट से लाइक करो यान लेकिन लाइक बटन यस लेट्स क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव लेट्स क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला yes, को है यार लग अलग है, ध्यान से सोचो, सबसे पहले कौन सी कैंडल एक्सटिंग ए वाली बी वाली या सी वाली दिमाग वाला पिक्चर इसमें क्या होता था एक रैट समथिंग कुछ ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ करता था वो वो तो ये वाला नहीं है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है अच्छा ओके Yes, दृढ़ति uh, is saying it's very easy, ma'am. Please don't post answers in the chat. First लिखा है, we'll get extinguished. वहाँ in new B तो कोई नहीं करेगा, या तो वो सबसे

सबसे जो टॉलेस कैंडल है उसमें उस केस में, में सबसे जल्दी एक्सटिंग्विश हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई सबसे पहले उस केस में बंद होगा सो ये हॉट कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर द टॉलेस कैंडल फर्स्ट करेक्ट सो ऑप्शन ए वॉज द राइट आंसर वेल डन एंड ऑल राइट ओके ध्यान रखना ये है, 65 है.

ये तुक्का सही हो गया अभी भी के तुक्के सही हो रहे हैं देखो See, हर बार नहीं हो पाएगा वो राइट right, ये हमेशा वो अपने ही करता है ओके okay, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज विल नॉट बी हेल्पफुल इन रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर नॉट बी हेल्पफुल नॉट ठीक है मैम बता रही फोकस करना है गलत क्वेश्चन गलती से भी मत पढ़ लेना पार्क स्केटिंग ग्राउंड एग्रीकल्चरल लैंड या फॉरेस्ट किस केस में ऐसा होगा यार की नहीं हो पा रहा रिचार्ज ग्राउंड वॉटर नहीं पहुंच पा रहा यू हैव फाइव सेकेंड लिफ्ट एंड वी आर होपिंग की यार सेवेंटी बच्चे सही देंगे

ये तो हिंट भी नहीं है ये तो बस बता रही हूँ क्वेश्चन पढ़ते कैसे हैं एक्चुअली <laughs> <laughs> like, <laughs> 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 आप मुझे डायरेक्शन <laughs> अच्छा. sure, करेंगे अर्पिता को अभी भी हार्ड चाहिए अरे इससे हार्ड क्वेश्चन अभी बहुत लोग मी सी सिक्सटी सिक्स के ऊपर नंबर जाता है या नहीं क्वेश्चन में चले जाएगा इज इट सो सीरियसली डन इन एट सेकंड बात सच सच बात बोल दी गई है आप तक पहुंचाई जा रही है ये हार्ड क्वेश्चन अरे सी कृति मैम ये हिंट कहा से था वरना सब आंसर दे लेते सी नॉर्थ इज दी आंसर एंड आई टेल यू कि डायरेक्शन क्वेश्चंस में क्या करना है आपकी इनिशियल पोजीशन पहले आपने मार्क कर दी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लाइक दिस इट्स इज क्लॉक टर्न करना है आपको नाइन्टी डिग्रीज राइट आपने क्लॉक टर्न करा लुक एट द फिगर क्लॉक टर्न करा नाइन्टी डिग्रीज एंड देन वन डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वन डिग्री मीन सेमी सर्कल आप क्रिएट कर लेंगे राइट वन डिग्री आप जिस पोजिशन पे हैं उसकी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन वो आपका वन डिग्रीज होगा सो दैट वुड बी वॉट फेसिंग नॉर्थ यस yes. uh, कोई बात नहीं दोबारा खोल लो मेरी खोलो ऑल yes, राइट right. किस किस का लाइक right? right, right. भी, like भी नहीं कर रहे ऐसे कैसे चलेगा right. फटाफट से यार लाइक like भी कर दो सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि इसके बाद हम लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वीडियो सब्सक्राइब द चैनल Lord, मैं मैं, कितने न्यू न्यू स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हैं हैं आज पर बहुत सारे राइट क्विकली न्यू सब्सक्राइब चैनल फर्स्ट नीतू सिंह बाई थैंक यू यस पपिया डन रोशन से सबने लाइक कर दिया अमेजिंग चलो लेट्स अब देखते हैं सेम इज अ चेंज और वी कैन सी ऑल राइट ऑल राइट ओके पॉइंट्स अरे रे सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी पॉइंट मैम आई टॉपर टी ट्वेंटी टूर्नामेंट न्यूएस्ट बच्ची रेबेका वाज यूर एट दिख पोजिशन बुल्फ मास्टर नमन कुमार द प्रो मास्टर आदित्य अनिका ज्योति कृति नेम सेम कुछ न्यू नेम्स बस एड हुए बट सीरियसली यू ऑल आर अ रियली गुड जॉब एंड जिन स्टूडेंट्स का नाम लीडर बोर्ड पे नहीं भी है इट्स ओके

कभी कभी ब्लू होता है कभी कभी येलो होता है येलो कब होता है अभी आप बताओगे एक्सेस सप्लाई ऑफ फ्यूल के टाइम होता है या इन सप्लाई ऑफ फ्यूल के टाइम पे या इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के टाइम पे ध्यान से सोचो यार आधे से आधे केमिस्ट्री क्वेश्चन टू योर डेली लाइफ करेक्ट ये hmm. हम खुद नोट करते हैं आसपास होते हुए सी साइंस साइंस क्या मैथ्स से इट्स एवरीवेयर अराउंड यू यू इट इट दैट हैव टू ऑब्जर्व हम रियलाइज नहीं करते हमारे आसपास ही सब चीजें हो रही हैं ये क्या ये डिसाइड किया था कि हम सब तीन पार्ट <laughs> तीन पार्टीज में डिवाइड हो जाएंगे हम सबको वोट दे देंगे इन सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यार दैट वाज द करेक्ट आंसर फोर्टी सेवन ऑफ यू हैव मार्क्ड दिस आंसर राइट सी जब सप्लाई सफिशियंट होती है कंप्लीट कम्बस्टन होता है और ब्लू फ्लेम आती है जब इनसफिशियंट है तो फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं कर पा रहा तो हमारी ल्यूमिनस फ्लेम आती विच इज द येलो फ्लेम दैट वॉज द करेक्ट आंसर इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन ऑल राइट सो मैथ का क्वेश्चन है हाउ मच पार्ट ऑफ अ डेज फोर्टी फाइव मिनट्स कम ऑन फ्रैक्शन का क्वेश्चन है फ्रैक्शन हमने रिसेंटली करा है राइट रिसेंटली पढ़ा है क्वेश्चन भी किए हैं सिंपल क्वेश्चन है कृति तो मैम इसका आंसर तो आराम से दे सकते हैं आई थिंक हाँ है ना सिंपल है ये तो फ्रैक्शंस में हाउ मच पार्ट ऑफ अ डे एक डे का कितना पार्ट फोर्टी फाइव मिनट होगा हिंट भी दे दिया फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट इजली रिलेट कर सकते हो तुम लोग बच्चे yes. कह रहे हैं कि मैम वो हमें ऑप्शन देख कर क्वेश्चन है यस

तुम बाकी सबको गुमराह कर रहे हो ऐसे करके ठीक है मतलब ठीक कह रहे हो ये आंसर सही था बट फिर भी सो दैट वाज 47 दिस इज 49 अरे वाओ अमेजिंग मैं कह रही थी क्वेश्चन सिंपल है इसका आंसर दे लोगे सो वन डे में 24 आवर्स है राइट right? 24 आवर्स

यार आई होप यू नो दिस विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेज इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं डायमंड को कहते हैं या पेट्रोल को कहते हैं या कोल को कहते हैं या सिल्वर को कहते हैं किसको कहते हैं हम ब्लैक गोल्ड वृति हार्ड क्वेश्चंस यू आर सेइंग मैम इट्स अ रिक्वेस्ट अभी तो आई थिंक हमने क्वेश्चन अकॉर्डिंग सेट करे बट नेक्स्ट टाइम जब हम कभी आएंगे क्विज के साथ सो वी विल कीप दिस इन माइंड दैट यू ऑल वांट हार्ड क्वेश्चंस डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेकर आएंगे आप अच्छा सी ए कृथ्वी में कंफ्यूजन चल रहा है आई थिंक डायमंड और कोल क्या सी और ए में कंफ्यूजन चल रहा है कन्फ्यूजन सी ए सी ए सी ए इट्स मूविंग सो फास्ट यार, so यार yeah. ब्लैक पे चले गए गोल्ड भी पढ़ लेते पेट्रोलियम को कहते हैं ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं गोल्ड क्या है एनीथिंग दैट्स प्रेशियस है ना कोई चीज जो बहुत प्रेशियस है जो बहुत वैल्यूएबल है उसे गोल्ड हमारे लिए जो मेटल है गोल्ड मेटल है, बहुत ही प्रेशियस है वैल्यूएबल है पेट्रोलियम क्यों हमारे लिए इतना प्रेशियस फ्रैक्शन है पेट्रोल एक्सट्रैक्ट है, है. right? तो करते हैं जो अनरिफाइंड पेट्रोलियम हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो ब्लैक इन कलर होता है मैं -फट जब इन द कोड इज टू फाइव जीरो थ्री फाइव फोर टू एट फटाफट से आ अब याद रखना यार पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं नहीं कोल नहीं होगा ऑल राइट ऑल राइट अभी क्लियर है सबको लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व चलो करेक्ट आंसर देना है क्या था नंबर वैसे बहुत कम था आप आप ऐसे ही ले लो ये पॉइंट इन द फर्स्ट फिफ्टीन ओवर ऑफ अ टी ट्वेंटी क्रिकेट गेम द रन रेट वॉज ओनली सिक्स फर्स्ट फिफ्टीन ओवर्स में रन रेट सिक्स था

आदित्य रेबेका न्यूएस्ट बच्ची बोथ साइड तो हाँ, तो से है चलो भाई बहुत बढ़िया गाइज अपनी रैंक से परेशान नहीं होना है। इतने अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं इतना मजा आ रहा है सेशन को एंजॉय करो हम छोटी छोटी बातों पे नहीं बॉडर करेंगे राइट हम रैंक को लेके नहीं टेंशन लेंगे हम मोमेंट में रहके हम प्रेजेंट में रहके

अच्छा नंबर छोटा करके नंबर छोटा करके नंबर छोटा करके रैंडम सोचना इजी हो जाता है कि और अनदर वे क्या है क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन को विजुअलाइज जैसे मैम ने छोटा नंबर ले लिया तुम तो इसको ड्रॉ कर सकते हो रैंडमली ऐसे नंबर्स डाल के सो ट्वेंटी थर्ड इज दी आंसर बट स्टिल बहुत कंफ्यूजन है भाई यस एक बार समझ लेते हैं लास्ट yes. तक स्टार्ट है वन से लास्ट है सुमित की रैंक फिक्स्ड है सुमित प्लस वन है उसके बाद उसके ऊपर तो सुमित के ऊपर सुमित ऊपर से कौन से नंबर पे आए ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू प्लस वन 23. ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी करे है राइट right? ये तो आता था ये तो आना चाहिए था स्टिल सबके आंसर्स नहीं आ रहे इस पे

Wow. मतलब आप देखो सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आर्यन शुरू से सबको yes, सब यही कह रहा है कि चार्ट भरोसा मत रखो नहीं तो मैन ऑफ द मैच नहीं मिलेगा hmm. अपने ऊपर भरोसा करो नाइस वन यस अः पपिया पपिया तो पपिया का कुछ नहीं होने वाला है पपिया सिंह गलत आंसर दे दो चार्ट पे <laughs> नहीं नहीं इतना भी मत करो यस <laughs> yes. uh, बच्चे बहुत बच्चे कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी आंसर answer लिख रहे हैं बी वेरी केयरफुल दिस टाइम द दिस क्विज सेशन वाओ थैंक यू सुजन फॉर जॉइनिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल आल्सो न्यू स्टूडेंट्स यस रहमान आर आल्सो न्यू हियर आई गेस गुड गुड कंडेंसेशन इज द करेक्ट आंसर 64 बच्चों ने समझ लिया कि वो क्लाउड क्यों आ रहा है यार तो लिक्विड से वेपर जाने के लिए सब्लिमेशन सॉलिड से डायरेक्टली गैस जाने के लिए मेल्टिंग आपका सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए जब हम कोई वेदर की बात करते हैं तो क्या हो रहा है जो वॉटर वेपर प्रेजेंट है हमारे माउथ में हमारी ब्रेथ में एक्चुअली उससे क्या हो रहा है उससे कन्वर्जन हो रही है उसकी लिटिल ड्रॉपलेट्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स में हो रही है दैट्स हाउ द क्लाउड इज बींग फॉर्म सो येस

हैव टू थिंक अरे पेन पेपर दो यार मेंटी बंद हो गया आई होप इट्स वर्किंग फॉर एवरीवन सही चल रहा है कोई तो नहीं है राइट में 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 बस चिन में सबने एक बार में भी देख लिया होगा बेटा बी सुजन डन आ तो गया आंसर मेंटी मेंटी नॉट वर्किंग रहा ड्रॉपर कोई hmm. कोई बात कर ये कर ये question. यार. कोई बात नहीं 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 यार. अच्छा है. करो पूरा. कुछ बच्चे आंसर में लिख दो यहाँ नहीं कर पाए yes. आप में, में answers दे दो. नाउ इट्स वर्किंग इट्स ओके अगर नहीं भी आ रहा यार रिफ्रेश किया ठीक है आप चार्ट में आंसर्स दे दो सो करेक्ट आंसर इज नाइन हियर and yes here also we can see and most of you could not able to answer this so simply आपने इनको symbols को change किया and what do you get at the end answer is going to be 9 simple I mean board calculation board mass use करके correct और थोड़ा सा carefully because आप symbols change कर रहे हैं sometimes आप गलत copy कर लेते हैं right correct correct ah uh, mid में जा रहा है मेंटी जा रहा है मेंटी थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है कोई बात नहीं I hope it's working fine now even if it is not कोई बात नहीं यार chat में लिख दो आंसर कुछ नहीं होता board मास नहीं लगा पाए इट्स ओके डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन पता होना चाहिए और थोड़ा सा अपने साइंस वगैरह को ध्यान से देखना चंदनी खुशु मैम कहना है टॉप यस चंदनी टॉप पर ही हो तब से आदित्य टी ट्वेंटी टूर्नामेंट रिबेका दी सक्षम बंसल राज आदित्य सबनेक फेवरेट सब्जेक्ट मैथ एंड क्रिशा वाओ अमेजिंग

पार्ट ऑफ द वॉटर साइकिल यार वॉटर साइकिल ना हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ग्रेड थ्री से थर्ड ग्रेड से हम स्टार्ट कर देते हैं प्रेसिपिटेशन कंडेशन ट्रांसपेरेशन रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इनमें से नहीं फोर्थ फिफ्थ से करते हो गए चलो ठीक है बट द पॉइंट इज कि आपको अब आप तो आना चाहिए नॉट अ पार्ट ऑफ द वॉटर साइकिल नॉट अ पार्ट सोचो

जो वाटर लूज हो रहा है प्लांट्स के एरियल पार्ट से वो ट्रांसपेरेशन होता है सो so वाटर से वाटर वेपर जा रहा है वो तो बिल्कुल पार्ट है वाटर साइकिल का इवेपोरेशन ट्रांसपेरेशन डेफिनेटली दे आर पार्ट फिर जब वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं देन कंडेंसेशन इज टेकिंग प्लेस देन प्रेसिपिटेशन हो जाती है रेन के फॉर्म में हो या स्नो या हील किसी भी फॉर्म में इट्स कमिंग बैक कलेक्शन हो रही है वापस इवेपोरेशन हो रहा है क्या नहीं है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्ट नहीं है सो so, जो हम फ्यूचर यूज के लिए कलेक्ट करते हैं स्टोर करते हैं जिन्होंने प्योरिफाई करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो जो है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई होप हम सबकी सोसाइटीज में वो लगे टू कंजर्व वाटर ऑल राइट ऑल राइट यस लेट्स मूव अहेड धोखा हुआ है ओके फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वेयर्स हियर इन दिस ओके इन दिस फिगर Of find करने अच्छा ऐसे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं रियली वन थिंग बहुत एग्जाम्स का पार्ट भी होते हैं सो so, इन, इनके लिए कितना अच्छा है ये लोग अभी से ही ये चीजें आई I मीन mean, पढ़ रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम स्कूल्स की बात करें स्कूल बुक्स में तो कभी भी आपका सेम uh, ही चलते रहता है।, है उसमें बट दीज थिंग्स आर लेटर ऑन जब कोई लेवल एग्जाम देंगे सो so,

सबने फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स क्रिश्चा आदित्य राय अच्छा कुछ लोगों की पोजीशन वही वही ऊपर नीचे बस हुई चल रहे है रहता यार अच्छे तो अच्छे अपनी जो भी रैंक है वो इम्प्रूव करेंगे बोर्ड मतलब yes. पे नहीं भी है मैटर अपनी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए ट्राई करो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी 18 कैरेट गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड या 24 कैरेट गोल्ड यार अगर तुम्हें तो लग रहा था इसमें मिलेगा सोडियम मैग्नीशियम, गोल्ड ऐसे ऑप्शन मिलेंगे हम तो सिलेक्ट कर देंगे कि यार सोडियम नहीं करना चाहिए <laughs> ऐसा नहीं है सारे ऑप्शन में ना गोल्ड ही है अब प्योरिटी होती है कैरेट

अगर सॉफ्ट गोल्ड होगा ज्वेलरी बनेगी वो डिफॉर्म होती रहेगी वी डोंट मॉन दैट सो वी मिक्स सम मेटल हम कॉपर थोड़ा सा ऐड कर देते हैं हम उसकी प्योरिटी प्योर गोल्ड नहीं रखते थोड़ी सी कम कर देते हैं एंड दिस इज यू नो द बेस्ट यू नो ट्वेंटी फोर कैरेट इज नॉट द बेस्ट टू मेक ज्वेलरी बिकॉज इट्स वेरी सॉफ्ट सो हे ट्वेंटी करेक्ट आंसर एटीन ट्वेंटी टू दोनों यूज कर सकते हैं ये अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन

सो so, पापा मम्मी की बात को भी कभी कभी ध्यान से सुन लेना चाहिए बेटा कहीं भी, भी कहीं भी, भी काम आ जाती है यस yes, प्रबोधा अलका अच्छा फोर हो सकता है आंसर मेरा भी आंसर फोर है मैम तुम्हारे साथ साथ ही ट्राई कर लेती हैं आदित्य यस अमृतांश इट इज हार्ड नाउ कभी हार्ड लगता है कभी सिंपल लगता है सिंपल क्वेश्चन हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन ट्राई दिस आउट आसान है मासूम सा क्वेश्चन yes. सोचो अगर मैंने कर लिया तो तो तुम लो भी कर लो okay, रिस्टी, okay, रिस्टी. बाद में सेशन तो होगा यूट्यूब एबल टू अंडरस्टैंड ऑल राइट ये राउंड तो आपका हुआ मिल गया चलो बट स्टिल चलता तुमने दिया ही अब सो so, यहाँ पर क्या लग रहा है फिफ्टीन एंड फाइव डेफिनेटली डिवाइड हुए होंगे तो थ्री आया है फोर और थ्री मल्टीप्लाई हुए हैं तो ट्वेल्व आया वी विल जस्ट रिप्लेस दीज सिंबल्स यहाँ पे जो हैं। दैट्स गोइंग टू बी फोर डिवाइड बाय टू टाइम्स फाइव फोर डिवाइड बाय टेन यू गेट फोर सिंपल था सिंपल था ऐसा कुछ नहीं था आपको बस ऑब्जर्व करना था कि ये सिंबल एक्चुअली क्या डिनोट कर रहे हैं राइट यस ऑल राइट सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन सो सबको पता है सबको पता है कि केमिस्ट्री जीत चुका है चुका और फाइनल लीडर हम आपको दिखाने वाले हैं फटाफट से लाइक कर दो वीडियो सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि हम आपके लिए ऐसे और सेशन लाते रहे और आप आप अटेंड भी कर पाओ राइट एंड देन हम इस कुछ ना कुछ करने को कहते हो मैम ये चीज कराओ मैम कुछ ऐसा सेशन लेकर आओ ये सब करो दैट विल ओनली बी पॉसिबल इफ यू सपोर्ट एंड सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब द चैनल और जितना आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को उतना शेयर कीजिए आदित्य वाओ आदित्य अमेजेंगट फोर्टी थ्री पॉइंट अमेजिंग सो yes

येस बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स थे आज यहाँ पर चैनल करने वाले राइट सो योर सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो लेट्स कंटिन्यू वर्किंग लेट्स कंटिन्यू यू Bye. -bye. Thank bye, you. bye.